लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है चुनाव से ही जुड़ी, वो मैं आपको बता रही हूं लगातार कि छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 25 मई को वोट डाले जाने हैं, 8 राज्य हैं, 58 सीटें हैं और इसके लिए ये शोर थम चुका है। कई ऐसे चेहरे भी हैं, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे थे, दिल्ली के खासतौर पर अगर बात करें तो वहां पर 7 में से 6 चेहरे बदल दिए गए थे। यंग जो युवा ब्रिगेड है उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक भरोसा है वो जताया गया था। सिर्फ एक चेहरा अगर मनोज तिवारी की हम बात करें तो वो चेहरा नहीं बदला गया, उस चेहरे पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया। आज हमने देखा कि किस तरह से वो भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो उस सीट से वो आते हैं, चुनावी ताल एक बार फिर से ठोक रहे हैं और आज रोड शो भी वो कर रहे थे। उनसे हमारे सहयोगी ने बात भी की, क्या वो तमाम दावे और वादे थे वो भी हम आपको बता रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली जिसमें मतदान होना है, झारखंड, बंगाल और ओडिशा की अगर बात करें तो इनमें भी वोटिंग होनी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि छठा और सातवां चरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। यूं तो 5 चरण की अगर हम देखें तो वोटिंग हो चुकी है और अब अगर ये 2 चरण देखें तो 114 सीट अभी हैं जो रह गई हैं। मतलब ये कि प्रधानमंत्री चुनने की वो जो एक प्रक्रिया होती है या सीटों की अगर बात करें तो वो अब तक हो चुका है, उतनी सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है। अब सबके अपने अपने दावे हैं, सत्ता पक्ष की बात करें तो उसके अपने दावे हैं कि वो वापस उस परफॉर्मेंस को दोहराने की बात कर रही है, बल्कि उससे भी और ज्यादा की बात यहां पर कर रही है क्योंकि 400 पार का यहां पर बीजेपी का टारगेट है। तो वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन की अगर बात करें तो उनकी भी अपनी जो कैलकुलेशन है वो है। ये दिल्ली के चुनावी दंगल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो मिलकर चुनाव यहां दिल्ली में लड़ रही है। 7 कुल लोकसभा सीटें हैं अगर हम यहां पर देखें और 7 की 7 पर अभी बीजेपी का कब्जा है। इस बार बीजेपी और INDIA गठबंधन में टक्कर देखने को मिलेगी और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन ये दिल्ली का दंगल क्या कह रहा है ये हम यहां पर आपको दिखा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरदार RP सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ स्टूडियो से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और स्टूडियो से ही पहला मैं प्रश्न लूंगी। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ समीर चौगांवकर जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के भी इस वक्त मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन जी आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी क्योंकि जिस छठे चरण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई थी सारा, और जिस तरह से कैलकुलेशन आप अपनी बता रहे हैं ना कि बदलाव का चुनाव है, बदल रही है सरकार, आपकी सरकार आ रही है, सर उसके लिए आपको सिर्फ खाता नहीं खोलना होगा बल्कि वो जो किला है ना उसको एकदम भेदना होगा। किला भी खुद भेदेगा और खाता भी खुलेगा और उसको प्रमाणित देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया है। जो देश के प्रधानमंत्री की बौखलाहट है, जो 400 के पार कह रहे थे वो 143 पे भी नहीं दिख रहे क्योंकि 543 की टोटल सीटों के ऊपर था और जिस 400 पार के घमंड के ऊपर जिस देश के संविधान को बदलने की बात करी थी देश के प्रधानमंत्री ने, आज उसी देश के संविधान को बचाने के लिए देश की जनता वोट करने जा रही है। और इंडिया गठबंधन, हिमानी जी, दिल्ली तो 7-0 से जीतेंगे, आप देखिए यूपी के अंदर भी ऐसी बारात तैयार करके देंगे जिसकी विदाई यूपी सरकार की भी होगी और उसकी रुलाई दिल्ली के सेंटर सरकार में आएगी क्योंकि जो जो सीटें और जो जो स्टेट भाजपा ने पिछले 19 में जीती थी, 14 और 19 का गणित आप तैयार करिए और 24 में आके खड़े होइए, उनकी बौखलाहट और उनकी सेंस इससे देख लीजिए कि शेयर मार्केट का गिरना और अपनों पे भरोसा छोड़ देना भाजपा का, वो चितार्थ होता है कि भाजपा कोई ऐसा सका नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, तो RSS तक को ठग मारा। आज इतना घमंड 400 पार का था, देश के संविधान को बदलने की बात करी, वहीं कह दिया कि आज RSS की भी जरूरत नहीं है, बीजेपी सक्षम है। तो ये ध्रुवीकरण और बाहर के नेताओं का आंगमन आज सबसे बड़ा हार का कारण भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का बनने जा रहा है। सरदार RP सिंह जी, आपने सुना यहाँ पर चंद्रमोहन जी क्या कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सत्ता की हैट्रिक अगर आपको लगानी है, मुझे लग रहा है कि शायद सरदार RP सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंची है, लेकिन समीर चौगांवकर जी, सत्ता की हैट्रिक अगर लगानी है तो जाहिर तौर पर दबदबा भी कायम रखना होगा भाजपा को। आपको लग रहा है कि वो उस तरीके से हो पाएगा इजिली जैसा कि अभी तक हम यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर बदलाव होगा जिस तरह से चंद्रमोहन जी यहाँ पर कह रहे हैं? देखिए मानी जी, कोई बदलाव होने नहीं वाला है। जो 2014 में हुआ था, जो 2019 में हुआ था, उसी कड़ी में 2024 में होने जा रहा है और 2000
14 में आप देखेंगे तो 282 सीट्स आई थी, 2019 में 303 सीटें आई थी बढ़कर, और अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 370 भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत आराम से तीसरी बार सरकार बनाने की ओर जा रहा है। और 4 जून के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 4 जून को 400 पार होंगे। यह आपको मैं अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 4 जून को 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, 2 फेज बाकी है, 25 तारीख को 1 छठा फेज का होगा और 1 जून को 7वां अंतिम फेज का होने वाला, चारों काउंटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और देखिए, विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आ रही बता रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि 180 सीटें आएंगी, अखिलेश यादव यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 79 सीटें हमारी आ रही है, एक सीट छोड़ देते हैं प्रधानमंत्री मोदी की वो। राहुल गांधी कहते हैं कभी 120 आएंगी, कभी कहते हैं 180 आएंगी। विपक्ष से बताने को तैयार नहीं है कि विपक्ष कितनी सीट लेकर आ रहा है, कांग्रेस से बताने को तैयार नहीं है। खड़गे जी ने बताया तो था, खड़गे जी ने बताया तो था, लेकिन तारिक खान जी आप खुद को कहां देखते हैं? वो जो पीडीएफ फॉर्मूला आपने बनाया है वो चल पाएगा, कितना चल पाएगा? देखिए, चल रहा है और जनता ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है समाजवादी पार्टी को। अब क्या बीजेपी ने ये कहा था कि ये 80 में 40 सीटें जीतेंगे? क्या कहा था? किसी एक पार्टी का नाम बताइए जो कहती है कि हम इतनी कम सीटें जीतेंगे, कभी कहा बीजेपी ने? और मैं तो इतना खुश हूं इस बात से कि इन्होंने 400 सीट जीतने को कहा, क्योंकि 543 सीटें हैं, बीजेपी ये कह देती कि हम 543 में से 600 सीटें जीतेंगे, कह भी सकते हैं भाई, ये अंतर्यामी टाइप के लोग हैं इनकी पार्टी में, ये कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं उसका प्रमाण भी देता हूं। योगी साहब ने विधानसभा में कहा कि 46 में से 56 आपने एसडीएम यादव बना दिया। अब 46 में से कैसे 56 बनेगा? सिर्फ बीजेपी वाले बना सकते हैं भाई, मेरे बस की बात, सिर्फ बीजेपी वाले कर सकते हैं। इसलिए 46 में से 56 कैसे ढूंढ के निकालेंगे, ऐसे ही ये 400 सीटें कैसे ढूंढ के निकालेंगे, आप पूछिए उनके समर्थक लोग बैठे हैं, पूछिए उनसे कैसे लेके आएंगे। और कब ये कहते हैं, आपने बताया कि हमारा रेड जोन है, ब्लू जोन है, आरएसएस की रिपोर्ट है कि 20 सीटें हम हार रहे हैं, इतने सांसदों के टिकट भी आपने काट दिए, तब भी सारी सीटें जीत रहे हैं, तो इतना क्यों किया जब इतनी मजबूत स्थिति में थे आप? तमाम सिटिंग सांसदों के 1800 कुछ दिन होते हैं एक साल में, 1875 दिन, जो 1875 दिन सांसद रहा उसका टिकट काट दिया आपने, क्या वो 75 साल का हो गया था? क्या उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था? काटिए बिल्कुल, मगर अगर हम किसी को 10 दिन पहले टिकट देके काटते हैं तो वो राष्ट्र का बड़ा मुद्दा बनता है, और आप 1875 दिन सांसद रख के उसका टिकट बदल देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सरदार आरपी सिंह जी, उम्मीद कर रही हूँ कि अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी, क्योंकि पहले आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन तारिक खान साहब जो कह रहे हैं उस पर जवाब चाहूंगी, और साथ ही साथ नंबर गेम क्या कह रहा है, वो 400 पार का जो आंकड़ा है उसके कितने करीब पहुंची है बीजेपी, क्योंकि रिपोर्ट्स तो आप भी ले ही रहे होंगे सब जगह से। देखिए सुनिश्चित, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, 400 पार हम करने वाले, इनसे पूछो कितनी सीटें जीतेंगे, जवाब नहीं दे पाते, ये हमारी गिनाते सीटें, अपनी सीटें कभी नहीं गिना पाते कि ये सारी गठबंधन मिलाकर कितनी सीटें जीतेगा। और मुझे ममता बनर्जी का वो बयान याद आता है जब ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी 300 जीतेगी 40, ये अभी चुनाव के दौरान कहा था कि, और इसलिए हम इनके साथ वेस्ट बंगाल में समझौता नहीं कर रहे, क्योंकि सीटें हमारी खराब कर रही हूँ, क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है।